Dear student, today we will discuss another topic, that is hepatitis D virus. Hepatitis D virus is unusual in that it is a defective virus. ये जो है दूसरे जो hepatitis viruses है उनकी तरह नहीं है, ये एक defective वायरस है. डिफेक्टिव वायरस यानी ये खुद ब खुद जो है रिप्लिकेट नहीं होता, इसके लिए किसी और सब्सटेंस की, चीज़ की या एजेंट की हेल्प की ज़रूरत होती है. उसकी हेल्प से ये रिप्लिकेट होगा, वरना ये रिप्लिकेट नहीं हो सकता खुद ब खुद. ठीक है, और ये वायरस जो है ये बिलोंग करते हैं टू कोलमियो वायरस फैमिली, कोलमियो वेरेडी या कोलमियो वायरस फैमिली. ठीक है, तो ये जो हेपेटाइटिस डी वायरस है ये बिलोंग करते हैं टू कोलमियो वायरस वेरेडी या कोलमियो वायरस फैमिली. ये जो है इसको डेल्टा वायरस भी कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सरफेस पे डेल्टा एंटीजन होते हैं. ठीक है, डेल्टा एंटीजन होते हैं. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और एनवेलप्ड है. ठीक है, तो इसके एनवेलप यानी इसके सरफेस पे डेल्टा एंटीजन होते हैं. ठीक है, जिस तरह हेपेटाइटिस बी में जो है वो एच बी एस एंटीजन होते थे, इस तरह जो डेल्टा जो हेपेटाइटिस डी वायरस है इसके सरफेस के ऊपर जो है डेल्टा एंटीजन होते हैं, इसलिए इसको डेल्टा वायरस भी कहते हैं. तो ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, एनवेलप होते हैं. इसकी जो पोलरिटी है वो नेगेटिव होती है. तो नेगेटिव पोलरिटी, पॉजिटिव पोलरिटी ये हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेगेटिव पोलरिटी जो 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 वाले आरएनए होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो जो है ख़ुद अपने लिए प्रोटीन या रिप्लिकेशन उनकी खुद बहुत नहीं हो सकती. ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव पोलरिटी वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस हैं, वो अपने लिए खुद प्रोटीन भी बनाते हैं और अपनी कापियां भी खुद ही बनाते हैं. ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बनाते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव पोलरिटी वाले हैं ये ऐसे नहीं कर सकते. इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे. इसके जो आरएनए हैं वो सर्कुलर होते हैं. ठीक है, सर्कुलर आरएनए इसमें होते हैं. एच डी वी कैन रिप्लिकेट ओनली इन सेल्स आल्सो इन्फेक्टेड विद एच बी वी. सो जो एच डी वी है वो सिर्फ उन सेल को इन्फेक्ट करेंगे जिसको ऑलरेडी एच बी वी हो चुका हो. सो याद रखें कि एच डी वी जो है वो एच बी वी के बगैर उसकी इन्फेक्शन नहीं हो सकती. तो जो जितने भी इंडिविजुअल हैं, अगर उनको एच बी वी है तो तब एच डी वी होगा, वरना किसी को एच बी वी नहीं है तो एच डी वी उसको नहीं हो सकता. एच डी वी वायरस उस पर अटैक नहीं कर सकते. ठीक है, तो हेपेटाइटिस डी वायरस तब इन्फेक्ट करेगा, तब अटैक करेगा अगर उस इंडिविजुअल को एच बी वी हो. ठीक है, ये एच बी वी के बगैर जो है ये अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता. सो एच बी वी इज़ देयर फॉर द हेल्पर वायरस फॉर एच डी वी. तो एच बी वी जो है ये हेल्पर वायरस है एच डी वी के लिए. ये देख लें कि एक सेल है, लीवर का सेल है, ये एच के साथ ये एच बी वी जो है ये अटैच हो चुका है. ठीक है, और इसके सरफेस के साथ जो इसका एनवेलप है ये फ्यूज़ हो चुका है. ठीक है, ये इधर इसके फॉर एग्जांपल ये एंटर हो गया है और इसकी फ्यूजन एनवेलप की हो गई है. तो इसके एनवेलप पे आपको याद है ना कि एच बी एस ए जी यानी एंटीजन होते हैं. ठीक है, तो ये जो डेल्टा, ये दूसरा वायरस है एच डी वी. तो ये एच डी वी वायरस जो है ना ये आके इस जो 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 ऑलरेडी इसके साथ फ्यूज़ हो चुका है, ये एनवेलप इसके ऊपर एच बी एस ए जी एंटीजन है, तो ये इस एंटीजन के साथ अटैच होगा.
ठीक है, इसलिए ये हेल्पर सेल है, ये जो HBV है, HBV जब इन्फेक्ट करता है सेल को तो उसके सेल के सरफेस पे जो है ना अपना जो एनवेलप है वो उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, और इस फ्यूज़ एनवेलप में जो है कौन से एंटीजन होते हैं, HBsAg, ठीक है। तो ये जो HDV है यानी हेपेटाइटिस डी वायरस है, ये सिर्फ उस सरफेस के साथ अटैच होता है जिस सरफेस पे HBsAg हो, ठीक है। सो HBsAg एंटीजन जो है वो तो सिर्फ HBs के साथ है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ना जो है ये इसके सरफेस पे होते हैं HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है ना वो मौजूद होते हैं हेपेटाइटिस बी के एनवेलप में। तो ये एनवेलप जब फ्यूज़ होगा सेल्स के साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के साथ तो फिर लाजमी बात है कि ये डिस्प्लेड होंगे, उसके ऊपर ही रह जाएंगे जो एंटीजन है HBsAg, ठीक है। तो ये जो डेल्टा वायरस है उसकी स्पेसिफिसिटी ये है कि ये सिर्फ अटैच होगा उस जगह पे जहाँ पे ये एंटीजन होगा HBsAg, ठीक है। तो इसलिए जो जिसको HBV हो, HBV यानी हेपेटाइटिस बी हो, तो हेपेटाइटिस बी मींस के उसके जो सेल्स हैं हेपेटिक सेल्स हैं उस सेल्स पे जो है HBV वायरस जो है वो अटैच हो चुका है और उसका एनवेलप फ्यूज हो चुका है और उसके जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उस पे वो एंटीजन मौजूद है यानी HBsAg। तो ये डेल्टा वायरस जो है या हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इसकी अटैचमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वाले पोर्शन या वहाँ सेल उस सेल्स पे कर सकते हैं जिसमें HBsAg एंटीजन मौजूद हो। तो आगे चलते हैं कि ये जो HDV वायरस कैन रिप्लिकेट ओनली इन सेल्स आल्सो इन्फेक्टेड विद HBV, जो HBV के साथ ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो। HBV इज़ देयरफॉर द हेल्पर वायरस फॉर HDV। इट कैन नॉट रिप्लिकेट बाय इटसेल्फ बिकॉज इट डज नॉट हैव द जीन फॉर द एनवेलप फॉर इट्स एनवेलप प्रोटीन। ये खुद ब खुद रिप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो जीन्स ही नहीं है फॉर इट्स एनवेलप प्रोटीन। अपने जो एनवेलप है, जो एनवेलप प्रोटीन है वो इसमें मौजूद नहीं होते, ठीक है। आगे जाते हैं कि ट्रांसमिशन इसकी किस तरह होती है। सेम एज HBV पैथोजेनेसिस जो है वो सेम है एज HBV। तो इम्यूनिटी जो है वो IgG एंटीबॉडीज अगेंस्ट डेल्टा एंटीजन इज़ नॉट डिटेक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड आफ्टर इन्फेक्शन। इट इज़ देयरफॉर अनसर्टन वेदर लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी टू HDV एग्जिस्ट। असल में यह है कि ये जो IgG जो अमीनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट डेल्टा एंटीजन, मैंने बताया था ना कि ये जो वायरस है हेपेटाइटिस डी का, तो इसके जो एनवेलप है इसके ऊपर डेल्टा एंटीजन होते हैं, ठीक है, डेल्टा एंटीजन होते हैं। जिस तरह हेपेटाइटिस बी में जो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन थे, तो इधर जो है जो हेपेटाइटिस डी वायरस है इसके सरफेस पे डेल्टा वायरस होते हैं तो एंटीजन होते हैं। तो डेल्टा एंटीजन के अगेंस्ट जो है हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं IgG, ठीक है। सो IgG एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डेल्टा एंटीजन इज़ नॉट डिटेक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड आफ्टर इन्फेक्शन। तो ये जो है ये डिटेक्ट नहीं हो सकते, लॉन्ग टाइम तक भी नहीं हो सकते, ठीक है। यानी ये मुश्किल है अगर इन्फेक्शन जो है वो बहुत अरसे तक भी हो तब भी ये डिटेक्ट नहीं हो सकते। इट इज़ देयरफॉर अनसर्टन वेदर लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी टू HDV एग्जिस्ट। तो पता नहीं चलता कि जो इसकी इम्यूनिटी है वो लाइफ टाइम होती है, लॉन्ग टाइम होती है, ठीक है, तो कुछ पता नहीं चलता क्योंकि इनकी एंटीबॉडीज जो है हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सिम्टम्स क्या है? हेपेटाइटिस डी कैन आकर इन पर्सन
can infected with HBV. So hepatitis D उनको होगा जिसको already hepatitis B हो चुका हो. जिसको hepatitis B ना हो चुका हो उसमें जो है hepatitis D की infection नहीं हो सकती वायरस की. ठीक है, हेपेटाइटिस डी वायरस उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनको हेल्पर वायरस की ज़रूरत होती है हेपेटाइटिस बी, क्योंकि उनके साथ एक एंटीजन है जिसको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कहते हैं. ठीक है, तो वो जब सेल के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, हो सेल के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो फिर जो है ये हेपेटाइटिस डी जो है उस पोर्शन पे अटैच हो जाते हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है. सो अ पर्सन कैन आइदर बी इन्फेक्टेड विद बोथ HBV एंड HDV, दोनों एक साथ जो है इन्फेक्शन काज कर सकते हैं. ठीक है, HBV हो जाए और HDV भी मौजूद हो, दोनों हो सकते हैं एट द सेम टाइम. दैट इज बी को इन्फेक्टेड और बी प्रीवियसली इन्फेक्टेड विथ HBV. को इन्फेक्टेड दोनों साथ मिलके जो है इकट्ठे होके जो है उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, सेल को डैमेज कर सकते हैं. HDV और HBV मिलके इन्फेक्ट करते हैं, या पहले से जो है HBV से इन्फेक्ट हुआ हो फिर उसके बाद जो है HDV आ जाते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं, सुपर इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ बी को इन्फेक्टेड आर बी प्रीवियसली इन्फेक्टेड विद HBV. पहले से इन्फेक्टेड हो HBV से तो HDV इन्फेक्ट करेगा, या HBV के साथ HDV मिल के दोनों एक साथ भी कर सकते हैं. ठीक है, HBV एंड देन सुपर इन्फेक्टेड विद HDV, यानी बी प्रीवियसली इन्फेक्टेड विद HBV जो पहले HBV से इन्फेक्ट हो एंड देन सुपर इन्फेक्टेड विद HDV और फिर दोबारा सुपर इन्फेक्शन हो जाती है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है जब HDV भी उसको इन्फेक्ट कर लेते हैं. यानी पहले इन्फेक्शन HBV की हो जाती है फिर उसके बाद जो है HDV उसको सुपर इन्फेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, या दोनों साथ मिलके जो है हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, या पहले से HBV से इन्फेक्टेड हो और HDV आके फिर उसको सुपर इन्फेक्ट कर सकते हैं. हेपेटाइटिस बी इन पेशेंट को इन्फेक्टेड विद HDV एंड HBV इज मोर सीवियर देन दोज इन्फेक्टेड विद HBV अलोन. सो अगर किसी पेशेंट को HBV है और HDV भी उसको इन्फेक्ट कर ले तो फिर ये मोर सीवियर फॉर्म बन जाता है देन इन दोज इन्फेक्टेड विद HBV अलोन, जो सिर्फ HBV से होता है. एलोन HBV से इतनी सीवियर कंडीशन नहीं होती, लेकिन जब उसके साथ HDV भी अटैक कर लेते हैं को इन्फेक्शन हो जाती है. ठीक है, दोनों साथ इन्फेक्शन काज करते हैं तो ये फिर मोर सीवियर बन जाते हैं. ठीक है, बट द इंडिविजुअल ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस इज अबाउट द सेम इन पेशेंट इन्फेक्टेड विद HBV. जो लेकिन जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस जब हो जाता है तो वो तकरीबन सेम होता है उसकी कंडीशन जिस तरह HBV की होती है. ठीक है, जो लेकिन ये दोनों जो है सीवियरिटी की तरह बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं अगर साथ में जो है HDV हो. ठीक है, लैब डायग्नोसिस इसकी किस तरह होती है, IgM एंटीबॉडी टू डिटेक्ट एंटीजन इन पेशेंट. सो ये जो IgM एंटीबॉडीज है, ठीक है, ये जो जिसको ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो फिर बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसको अम्यूनोग्लोबुलिन एम कहते हैं. अम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट हेपेटाइटिस डी वायरस. तो वो वायरस जो हेपेटाइटिस डी काज करते हैं अगर वो बॉडी में एंटर हो जाए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो IgM एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. ठीक है, तो ये IgM एंटीबॉडीज़ जो है ये बनते हैं टू डेल्टा एंटीजन
और डेल्टा एंटीजन के अगेंस्ट बनते हैं, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस डी वायरस है इसके एनवेलप पे कौन से एंटीजन होते हैं, डेल्टा एंटीजन होते हैं, इसके सरफेस पे डेल्टा एंटीजन होते हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट जो है क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट जो है अम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। और ये अम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ जो है आके इस सेल को या वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडीज़ टू डेल्टा एंटीजन इन पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट में जो है हम फिर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि उसके बॉडी में आईजीएम है या नहीं। अगर आईजीएम है इट मींस कि इसको अटैक हुआ है ऑफ द हेपेटाइटिस डी वायरस। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी अगेंस्ट एचडीवी, कोई एंटीवायरल स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है। देयर इज़ नो वैक्सीन अगेंस्ट एचडीवी, कोई वैक्सीन नहीं है। बट अ पर्सन अम्यूनाइज्ड अगेंस्ट एचबीवी विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाय एचडीवी। तो अगर किसी पेशेंट जो है वो इम्यूनाइज हो चुका है एचबीवी के अगेंस्ट, यानी इसको उसको एचबीवी नहीं लगेगा, तो लाजमी बात है कि उसको एचडीवी भी नहीं होगा, अटैक नहीं करेगा, यानी हेपेटाइटिस डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस डी वायरस को चाहिए हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी अगर ऑलरेडी इम्यूनाइज हो चुका है हेपेटाइटिस बी से, तो उसको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा उस पेशेंट को, यानी उसमें हेपेटाइटिस बी जो है अगर वो बॉडी में एंटर भी होंगे तो उसके एंटीबॉडीज बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, वो हेपेटाइटिस बी वायरस को किल कर लेंगे, ठीक है, और सेल के साथ अटैच नहीं होंगे। तो एचडीवी के लिए कोई अटैचमेंट की जगह नहीं होगी, तो फिर उसको एचडीवी नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि एचडीवी डिपेंड करते हैं एचबीवी से, एचबीवी नहीं होगा तो एचडीवी वायरस जो है वो इन्फेक्ट काज नहीं कर सकेगा, बिकॉज एचडीवी कैन नॉट रिप्लिकेट अनलेस एचबीवी इन्फेक्शन आल्सो आकर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई वायरस जो है वो बिलोंग करते हैं टू हीपी वायरस या हीपी वेरेडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये हेपेटाइटिस ई कास करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, नॉन एनवेलप है और इकोसाहेड्रल है। केमिकली क्लिनिकली द डिजीज़ रिजेंबल हेपेटाइटिस ए, इसके जो सिम्टम्स हैं वो जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए की तरह होते हैं। द टेस्ट फॉर एच ई वी एंटीबॉडी इज नॉट अवेलेबल, इसके टेस्ट जो है अवेलेबल नहीं है, एंटीबॉडी ई की डिटेक्शन के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। देयर इज़ नो एंटी वायरल ट्रीटमेंट एंड नो वैक्सीन, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट और कोई वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है हेपेडना वायरसेस। हेपेडना वायरसेस जो है ये क्या, ये भी हेपेटाइटिस कास करते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को कास करते हैं, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं और एनवेलप्ड होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन जो है कंटेमिनेटेड ब्लड से होती है और इसके इंक्यूबेशन जो है वो 10 से 12 वीक होते हैं। इसकी जो सिम्टम्स है, जो प्रोडर्मल फेज है, द सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ हेपेटाइटिस ए, उसके सिम्टम्स जो है हेपेटाइटिस ए की तरह होते हैं बट आर मोर सीवियर, लेकिन ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ठीक है। जो एक्यूट फेज होता है इट इंक्लूड जेंडस बट आल्सो काजेज हेपेटोकार्सिनोमा एंड सीरोसिस। तो जेंडस हो जाता है एक्यूट स्टेज में जब चले जाते हैं, ठीक है, और जो लिवर सेल है वो कैंसरस हो जाते हैं, कार्सिनोमा कैंसर लग जाता है उसका, वो अपना फंक्शन शेप साइज वो चेंज कर लेते हैं, एंड सीरोसिस, और फिर जो लिवर सेल है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सीरोसिस में लिवर सेल की डेथ हो जाती है, जो मैच्योर सेल होते हैं वो थिक हो जाते हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो और इससे जो है फिर उसकी डेथ काजेज हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है, अल्फा इंटरफेरोन और जो लेमिबोडिन ये देते हैं इंजेक्शन, ये उस पेशेंट को देते हैं जिसको हेपेडा वायरस हो चुका हो, ठीक है। डायग्नोसिस जो है ब्लड और यूरिन में जो है उस वो सैंपल लेते हैं और उसमें जो है फिर हम डिटेक्शन करते हैं।
और जो नेक्स्ट वायरस है उसको HC वायरस कहते हैं, ठीक है। HC वायरस जो है ये फ्लेवी वायरसेस है, ये फ्लेवी वेरेडी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, एनवेलप होते हैं, साथ में जो है ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड होते हैं, ट्रांसमिशन उसके थ्रू ब्लड है। द सिम्टम्स आर सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए एंड बी होते हैं। डिफरेंट इंटरफेरॉन्स आर यूज एज एंटीवायरल एजेंट, डिफरेंट इंटरफेरॉन यूज़ होते हैं और इसके लिए नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम जो है हमने वायरस चैप्टर ख़त्म कर लिया है। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रहता है जो समझाने के लिए है, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी, या पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस RNA जो है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।